नमस्कार दोस्तों, मिस्त्री अस्नूज में आपका स्वागत है। हमारे देश में कुछ ऐसे महान प्राचीन मंदिर हैं, जिनकी भव्यता का केवल हम अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि हजारों वर्ष पुराने इन मंदिरों की दीवारों से हम कुछ प्रतिशत ही जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन यदि हम समय यात्रा के माध्यम से उस समय में पहुँच जाएं, जिस समय ऐसे मंदिरों के निर्माण अपने आध्यात्मिक कार्य के लिए चरम पर थे, तो वास्तविकता का पता चल सकता है। ऐसा ही एक मंदिर है 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर प्राचीन गुप्त विद्याओं का केंद्र था। जैसा कि इस मंदिर के नाम से ही स्पष्ट है कि यह मंदिर प्राचीन काल में रहस्यमयी शक्तियों के जागरण का केंद्र रहा होगा। यहां दैवीय शक्तियों को जागृत किया जाता रहा होगा। जो इस मंदिर के प्राचीन निशान यह बताते हैं, यहां प्रचंड ब्रह्मांडीय शक्तियों यानी योगिनियों को जागृत किया जाता रहा होगा। कहा जाता है कि प्राचीन काल में 64 योगिनी मंदिर में देश विदेश से शक्ति साधकों का जमावड़ा लगता था। वह वर्षों तक इस मंदिर में रहकर योगिनियों को जगाते थे। उस समय 64 योगिनी मंदिर रात दिन तरह तरह के मंत्रों से गूंजता रहता था। यह मंदिर किसी समय अद्भुत मांत्रिक शक्तियों एवं चमत्कारिक शक्तियों को सिद्ध करने का भव्य केंद्र रहा होगा। आज भी 64 योगिनी मंदिर की सीढ़ियों पर पांव रखते ही किसी किसी को ऐसा आभास होता है कि जैसे वह हवा में उड़ रहे हों। यह सब उन सब प्राचीन तंत्र मंत्र की शक्तियों का प्रभाव है जो यहाँ पहुँचने वाले महसूस करते हैं। कहते हैं कि आज भी इस मंदिर में मांत्रिक शक्तियों की उपस्थिति का आभास होता है। कहाँ है यह 64 योगिनी मंदिर? भारत की चमत्कारिक आध्यात्मिक शक्तियों का प्रत्यक्ष प्रमाण यह 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश की मुरैना जिले में स्थित है। यह वे स्थान है जो 3वीं और 4वीं शताब्दी में नाकिंगन के शासन में था। मुरैना वह अद्भुत स्थान है जहां आपको हर घर के मुंडेर पर नाचते हुए मोर देखने को मिल सकते हैं। यह यहां की मरुभूमि और वातावरण का प्रभाव है, जहां भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर प्रसन्नता के साथ निवास करना पसंद करता है, क्योंकि दैवीय प्रभाव से तृप्त यहां की धरती हर किसी को सम्मोहित करती है। इतिहासकारों के अनुसार 64 योगिनी मंदिर का निर्माण 1323 ईस्वी में क्षत्रिय राजाओं के द्वारा कराया गया था, किंतु वास्तविकता में ये इससे कहीं ज्यादा पुराना हो सकता है। मंदिर का नाम 64 योगिनी क्यों रखा गया? इस अद्भुत मंदिर में 64 कमरे हैं और प्रत्येक कमरे में एक एक शिवलिंग स्थापित है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में इस मंदिर में भगवान शिव के 64 योगिनियों का आवाहन किया जाता था। इस कार्य के लिए क्षत्रिय राजाओं ने अनेक पुजारियों की इस मंदिर में नियुक्ति की थी। उनकी यह अभिलाषा थी कि भारत की प्राचीन काल की जादुई विद्या को पुनः जागृत किया जाए, ताकि वे राजा अपने जटिल से जटिल कार्यों को आसानी से सिद्ध कर सकें और दुश्मनों पर सरलता से अपना प्रभाव जमा सकें। 64 योगिनी मंदिर निर्माण का उद्देश्य क्या था? कहा जाता है कि 800 वर्ष पूर्व के आसपास इस क्षेत्र में शासन कर रहे क्षत्रिय राजाओं को प्राचीन भारतीय गुप्त विद्याओं में विशेष रुचि थी। वहाँ के विद्वान इनसे संबंधित प्राचीन पुस्तकों एवं साधनाओं के माध्यम से निरंतर शोध कार्यों में रत रहा करते थे। उन्होंने साधनाओं द्वारा तमाम शक्तियां भी प्राप्त कर ली थी। कहते हैं कि वे मध्य और पश्चिम एशिया से आए अपने विदेशी दुश्मनों से युद्ध करने में भी इन गुप्त विद्याओं का उपयोग करने से नहीं चूकते थे। भारत की प्राचीन चमत्कारिक शक्तियों की खोज एवं उनके विकास के लिए उन्हें ऐसे शिक्षा केंद्र की आवश्यकता थी जहाँ पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को इन विद्याओं का ज्ञान दे सकें। इसलिए उन्होंने ऐसी शक्तियों से जुड़ी हुई तमाम साधनाओं एवं विद्याओं के शिक्षण प्रशिक्षण के लिए 64 योगिनी मंदिर की स्थापना की। कहते हैं कि 64 योगिनी मंदिर के माध्यम से यहां के कुछ एक राजाओं ने तपस्वियों की भांति वे शक्ति प्राप्त कर ली थी, जिससे वे अपनी साधना के प्रभाव से किसी को भी भस्म कर सकते थे। 64 योगिनी मंदिर की बनावट का रहस्य। 64 योगिनी मंदिर को देखने से ऐसा आभास होता है कि यह मंदिर प्राचीन काल में योगी के मांत्रिक शक्तियों का विशाल शिक्षा केंद्र रहा होगा, क्योंकि इस मंदिर की बनावट किसी शिक्षण संस्थान की तरह है। 64 योगिनी मंदिर में पहुंचने के लिए 200 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। यह मंदिर वृत्ताकार आधार पर स्थापित है। मंदिर के बीचों बीच बने मंडप यज्ञ संबंधी प्राचीनतम गतिविधियों के जीते जागते प्रमाण है। 64 योगिनी मंदिर को देखने से ऐसा लगता है कि यह किसी आधुनिक वास्तुकला का कोई नमूना है। यह मंदिर 101 स्तंभों पर टिका हुआ है। माँ काली के सिद्धपीठ का रहस्य। 64 योगिनी मंदिर माँ काली का सिद्धपीठ था, जिसके कारण यहाँ की तंत्र मंत्र की शक्तियों का प्रभाव चमत्कारिक था।
कहते हैं कि प्राचीन काल में इस 64 योगिनी मंदिर में हर समस्या का निदान होता था। कितना भी बड़ा से बड़ा रोग यहाँ की आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा दूर कर दिया जाता था। कहते हैं कि एक बार मध्य एशिया से आया एक विदेशी अमीर जो यहाँ भ्रमण के लिए आया था, अचानक पक्षाघात यानी लकवा से पीड़ित हो गया और उसकी आवाज आदि सब बंद हो गई। संयोग से उस समय वह इसी क्षेत्र में था। तब उस विदेशी अमीर को उसके चाकर उठाकर इस 64 योगिनी मंदिर में लाए। 64 योगिनी मंदिर में लाने के बाद केवल कुछ क्षणों की प्रायोगिक साधनाओं एवं अद्भुत मंत्र शक्तियों ने उस अमीर को पूर्णतया स्वस्थ कर दिया। वह विदेशी अमीर पालकी में लाया गया था, लेकिन यहाँ की रहस्यमयी शक्तियों ने उसे अपने पांव पर चलने योग्य बना दिया। उस अमीर की आवाज भी आ चुकी थी। वह हतप्रभ हो गया जब 64 योगिनी मंदिर के चिकित्सकों ने उससे बोलने के लिए कहा तो वे ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। यह चमत्कार था इस 64 योगिनी मंदिर का। इस तरह की अनेकों चमत्कारिक घटनाओं की कथाएं इस 64 योगिनी मंदिर से जुड़ी हुई हैं। 64 योगिनी मंदिर का रहस्य। 64 योगिनी मंदिर जहां भगवान शिव द्वारा प्रदत्त रहस्यमयी शक्तियों को जगाया एवं सिद्ध किया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की रहस्यमयी मांत्रिक शक्तियों ने इस मंदिर को वज्र की तरह शक्तिशाली बना दिया है। इसलिए हजारों वर्ष पूर्व में स्थापित यह मंदिर आज भी अपना अस्तित्व बनाए हुए है। कहते हैं कि इस क्षेत्र में कितनी ही बार भूकंप आया जिसके कारण इस इलाके की तमाम अन्य इमारतें तहस नहस हो गईं, लेकिन यह 64 योगिनी जिसे भगवान शिव का आश्रय प्राप्त है आज भी अपने बीते कल की स्वर्णिम कहानी कह रहा है। दोस्तों, ऐसे ही रोचक और रहस्यमयी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना।